हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडियन अभिनेता महमूद साहब ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर दर्शकों द्वारा भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम किया। 300 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय के हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग मुकाम बनाई। महमूद के लिए सबसे गर्व की बात थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी उनके हैदराबाद वाली पात्र की नकल की। महमूद साहब की खासियत थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोटपोट कर सकते थे, उतना ही संजीदा किरदार निभा दर्शकों को रुलाने का भी हुनर उनके पास खूब था। लेकिन आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनके खूबसूरत बेटी के बारे में जानते हैं कि वह कौन है, क्या करती हैं और क्या नहीं? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको इस दमदार कॉमेडियन एक्टर्स की बेटी से रूबरू करवाने वाले हैं। अभिनेता मुमताज अली के बेटे महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। यूं तो महमूद के बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्म के अलावा भी कई काम किए। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि महमूद अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की कोचिंग भी दी थी। हर कलाकार की तरह इन्होंने भी अपने शुरुआती दौर में खूब संघर्ष किया। इन्होंने कई साल तक जूनियर असिस्टेंट के रूप में प्यासा, CID और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय हास्य को और प्रोत किरदारों को करने में खासा दिलचस्पी होने लगी, जिसे दर्शकों के बीच खासा पसंद भी किया गया। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा और 1974 में फिल्म कुंवारा बाप का एक निर्देशन किया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पात्र गायक भी काम करते थे। महमूद ने कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हम जोली में नकल कर दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया। इतना ही नहीं, इन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिकल टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया। हालांकि इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें हम जोली, पड़ोसन, ससुराल, आंखें, 2 फूल, जिंदगी और वरदान जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं कुंवारा बाप फिल्म की खासियत थी कि वह महमूद ने इस फिल्म के जरिए दर्शकों को पूरी तरह से झकझोर दिया और लोगों के चेहरे पर हंसी दिलाने वाली इसी महमूद ने लोगों को आंखों में आंसू दिला दिए। लेकिन अगर बात करें इस कॉमेडियन एक्टर की बेटी के बारे में, तो आपको बताते चलें कि इनकी बेटी का नाम जन्नी अली है, जो इनकी दूसरी पत्नी ट्रेसी से हैं। हालांकि इनकी मां ने इनका नाम बदलकर गिन्नी अली रख दिया था। आपको बता दें कि बाल कलाकार के तौर पर गिन्नी और जॉनी मूवी में काम करते हुए देखा गया था। इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने लाइमलाइट से काफ़ी दूरियां बना ली। हालांकि अब यह एक हाउसवाइफ के तौर पर अपना जीवन अपने परिवार के साथ बिता रही हैं, जहां इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड के इस बेमिसाल कॉमेडियन ने दिल की बीमारी के कारण 23 जुलाई 2004 को दुनिया को अलविदा कह लिया, लेकिन इनकी फिल्मों को देख दर्शक आज भी लोटपोट हुए बिना नहीं रह पाता। तो दोस्तों, आपको इनकी बेटी के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी रहें ऐसी और सदाबहार किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।